हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वर्मा। स्वागत है आपका 3ds Max ट्यूटोरियल के नेक्स्ट लेसन में। आज के लेसन में हम जानेंगे कि ग्लोसी और मैट मटेरियल को कैसे बना सकते हैं 3ds Max प्लस वीरे। इसमें हमारा साथ देंगी मिस प्रियंका भारद्वाज, जो आपको बताएंगी इन सब चीजों के बारे में। तो विदाउट एनी देरी स्टार्ट करते हैं, और वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी आपको बताया, कॉन्सेप्ट आपको उन्होंने बताया है कि किस तरीके से कहाँ पे किस चीजों को हम यूज करते हैं, ताकि आपको थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज भी उस चीज की हो कि किस कॉन्सेप्ट को लेके हम क्या चीज बनाते हैं, और क्या चीज अगर हमारी सही नहीं हुई, लाइट सही नहीं हुई, मटीरियल सही नहीं हुई, अगर एंडर सेटिंग सही नहीं हुई, तो उसको हम किस तरीके से देख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, अगर हमें रियलिस्टिक रेंडरिंग की अगर हम बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज़ प्रियंका भारद्वाज और मैं एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। तो आपके दीपक सर के कहने पे मैं एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इट्स अ वेरी स्मॉल टॉपिक। ये है आपके वीरे की रिफ्लेक्शंस के बारे में, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार कई स्टूडेंट्स के साथ ये वाली प्रॉब्लम आती है जब वो लोग रेंडर निकालते हैं या वो जब भी इंटीरियर्स की कुछ चीज़ें बनाते हैं, तो उनकी ये कंप्लेन है कि हमारी वो चीज़ें काफ़ी ओरिजिनल नहीं दिखाई देती। ओरिजिनल ना दिखाई देने का मतलब ये होता है कि या तो आपकी लाइटिंग्स के साथ कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आपका जो मटेरियल है, जो उसकी सैचुरेशंस होनी चाहिए वो आपको, या फिर उसकी रिफ्लेक्शंस होनी चाहिए वो आपको एग्जैक्ट पता नहीं होती। तो हर मटेरियल की अपनी एक रिफ्लेक्शन होती है, हर मटेरियल का अपना एक ब्यूटिफिकेशन के साथ हर मटेरियल बनाया जाता है। तो मैं उसी मटेरियल्स के कुछ टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं है, 3ds Max में ही वीरे के साथ रिफ्लेक्शन का जो सीन होता है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने मैट फिनिश के मटेरियल्स को बनाने के लिए और अपने ग्लॉसी फिनिश के मटेरियल्स को बनाने के लिए, उस चीज़ को मैं आपको बताती हूँ। तो अभी मैंने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना के रखा हुआ है, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं, और केटल के ऊपर मैं इसलिए आपको बताऊंगी क्योंकि केटल में जो लूप्स होते हैं उन लूप्स की वजह से रिफ्लेक्शन काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। तो बनाते हैं इसका मटेरियल हाई ग्लॉस और मैट फिनिश में। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखना होता है, आप जब भी किसी मटेरियल को बनाते हैं तो हमेशा सबसे पहले उस मटेरियल को रीनेम कर लीजिए, ताकि आपको याद रहे कि वो मटेरियल का नाम क्या था या क्यों बनाया था। ग्लॉसी फिनिश, ठीक है। इसको बनाने के लिए मैं रेड कलर का एक मटेरियल आपके लिए यूज़ करूँगी, जो ग्लॉसी और फिनिश आपको दिखाएगा। इट्स 60 ठीक है। अब ये देखिए, ये जो नॉर्मल आप लोग मटेरियल्स डालते हो, इसको यहाँ पे डालने के बाद आपको यहाँ पर अभी कोई रिफ्लेक्शन या कुछ भी, आपको रफनेस या कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इट्स अ फ्लैट रेड कलर, ठीक है। तो आपको अगर इसको ग्लॉसी फिनिश में कन्वर्ट करना है तो यूज़ योर रिफ्लेक्शन। इसका रिफ्लेक्शन बार क्या होता है, जब भी आप किसी चीज़ को ब्लैक टू वाइट की तरफ को लेके जाते हैं, या आप उसको ब्लैक टू वाइट टू ब्लैक की तरफ को लेके जाते हैं, तो वो आपकी रिफ्लेक्शंस को मार्क करता है। लाइक वॉट, जैसे कि अगर आपने ब्लैक से वाइट की तरफ को लेके गए तो अभी यहाँ पर आपका कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। आप अपना बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं इसको चेक करने के लिए। इसको आपको जितना भी देना है, जितनी भी रिफ्लेक्शन चाहिए, बहुत हाई ग्लॉस चाहिए तो काफ़ी नीचे तक ले आइए, और अगर काफ़ी छोटा सा रिफ्लेक्शन के साथ चाहिए तो आप इसको कम कर सकते हैं। तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा 100 तक यूज़ कर सकते हैं एक हाई ग्लॉस मटेरियल के लिए। और ये जो होता है आपका आर ग्लॉसीनेस, कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को वीरे की सेटिंग्स के बारे में पता नहीं होता। जस्ट एक मटेरियल को बिटमैप से उठा के डाल देना सिर्फ वो मटेरियल का काम नहीं है। अगर आप उठा के किसी भी मटेरियल को ऐसे ही रख दोगे तो वो समझ में नहीं आएगा कि वो आपका चमक रहा है नहीं चमक रहा है, क्योंकि जब आप आपकी सोर्स के ऊपर लाइट पड़ती है, अगर वो ग्लॉसी फिनिश में होगी तो वो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ग्लॉसी आपको दिखाई देगी, और अगर वो मैट फिनिश में होगी तो वो आपको मैट फिनिश में दिखाई देगी। तो यही फ़र्क है एक कपड़े की चीज़ में और एक चमकती हुई चीज़ में, फ़र्क आता है उसकी रिफ्लेक्शन का। तो वो रिफ्लेक्शन यूज़ करने के लिए हम आर ग्लॉसीनेस, जिसकी फुल फॉर्म होती है हमारी रिफ्लेक्ट ग्लॉसीनेस, इसको हम लोग 0.95 तक लेके जाते हैं।
ताकि आपकी ये जो चीज़ है, ये जो दो पॉइंट हैं ये आपके दिखाई देते हैं, ये वो पॉइंट है जो आपकी रिफ्लेक्शन दिखाते हैं कि कितनी रिफ्लेक्शन है। अगर आप इसको 0.9 में रख देते हैं तो ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। जितना आप इसको 1 की तरफ को लेके जाएंगे ये उतना हाई ग्लॉस में काम करती है। 0.8 इट्स अ वेरी हाई ग्लॉस मटेरियल राइट नाउ, और 8.5 तक आप ले जा सकते हो अगर आपको हाई ग्लॉस करना है तो। इसको इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद एक मैट फिनिश का मटेरियल बनाते हैं हम सेम इसी कलर में। मैट फिनिश मटेरियल के लिए मैंने मैट फिनिश ले लिया, सेम चीज़ जितनी भी मैंने वैल्यूज़ डाली थी रेड कलर को बनाने के लिए सेम रेड कलर की वैल्यूज़ हमारी रहेंगी 60, और इसके बाद आपका ह्यू जो है वो 255, आपका सैचुरेशन है 255 एंड आपका जो वैल्यू है इट्स 60, ठीक है। और सेम चीज़ मैं आपको दोनों दिखा देती हूँ। ये आपका हाई ग्लॉस मटेरियल ग्लॉसी फिनिश एंड इट्स अ मैट फिनिश। तो मैट फिनिश के लिए जो चीज़ रहती है वो क्या रहती है, वो है रिफ्लेक्शन आपका। आपने उसको 100 में यूज़ किया था तो मैं यहाँ भी 100 में यूज़ कर लेती हूँ, बट सेम इफेक्ट है। रिफ्लेक्ट ग्लॉसीनेस आपके लिए किस तरीके से काम करता है आपके मैट फिनिश के मटेरियल को बनाने के लिए, वो ये है कि आप जब इस चीज़ को 0.9 से नीचे ले जाते हैं या आप इसको 0.85 से नीचे ले जाते हैं, देखिए जो समझने वाली चीज़ है ना वो ये है कि आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि कौन सी वैल्यू, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि मैम एग्जैक्ट वैल्यू बता दीजिए, इस एग्जैक्ट वैल्यू से वो चीज़ बन जाएगी, वो चीज़ होती है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आप किसी चीज़ की बना नहीं सकते। क्योंकि अगर मैं आपको अभी ये बोलूँ कि आप 85 से बना सकते हो 0.85 से या फिर आप 0.8 से, तो ऐसा नहीं है। किसी किसी की मैट फिनिश बहुत ज़्यादा होती है जिसमें बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन नहीं होती, कुछ कुछ मैट चीज़ें ऐसी होती जो हल्का हल्का ग्लॉस के साथ होती है। तो 0.8 एक ऐसा फिनिश है जो आपको हल्का सा ग्लॉस भी देगा और हल्का सा मैट फिनिश भी देगा। तो ये जो दो ड्रॉप्स इसमें दिखाई देते हैं, जो डॉट्स दिखाई देते हैं, वो डॉट्स होते हैं आपका मटेरियल किस तरीके से ग्लॉस करेगा। इस वाले मटेरियल को मैं अप्लाई कर देती हूँ अपनी सेकंड केटल के ऊपर, ठीक है। अभी दिखाई दोनों के दोनों सेम दे रहे हैं, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि ये जो रिफ्लेक्शन है अगर आपको फिर भी ज़्यादा लगे तो आप इसको यहाँ से 80 कर लीजिए, ये थोड़ी सी कम हो जाएगी। दूसरी चीज़, हर किसी के सॉफ्टवेयर के वर्जन के हिसाब से रिफ्लेक्शन और लाइटिंग्स का फ़र्क आता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं 2014 का वर्जन चला रही हूँ और ये वर्जन मेरे पास काफ़ी लंबे टाइम से है और ये काफ़ी सही प्रैक्टिस वर्जन है मेरे पास। इस वजह से मैं फ्लोर पे एक नॉर्मल सा बिट मैप डाल देती हूँ जो कि मेरे पास रखा हुआ है लास्ट से फिनिश। इसको अप्लाई कर देते हैं, वॉल को हम वॉल वाइट कर देते हैं। इस पे आप लिख दीजिए फ्लोर फिनिश। जैसे अब मैंने इस फ्लोर में कुछ नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। अगर आपको इसको थोड़ा सा, क्योंकि वुडन जो होती है वो हाई ग्लॉस पे भी होती है लेकिन जो फ्लोर होते हैं वो ज़्यादातर आपके मैट फिनिश के होते हैं, तो आप इसको मैट फिनिश में कर लीजिए 20 or 30 के अराउंड में। और आपकी जो रिफ्लेक्ट ग्लॉसीनेस है आप इसको 0.75 तक ले जाइए, क्योंकि हमारा फ्लोर बहुत ज़्यादा ग्लॉस नहीं करता है इस वजह से, ठीक। इसके बाद आपका वॉल वाइट मैंने किया था, मैं इसका वॉल वाइट कर देती हूँ। इसको इसके ऊपर अप्लाई एंड वन इज द सीलिंग कर दी। अब मेरे को इसके अंदर कुछ लाइट्स लगानी ताकि रिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे और आपको वो चीज़ दिखाई दे जो मैंने बनाई है। तो मैं अभी के लिए फ़िलहाल इसको वायर फ्रेम में करके लाइट्स वीरे IS लाइट यूज़ कर रही हूँ मैं, 2 नंबर पे जो आती है।
हमेशा ध्यान रखिएगा आपका जो भी मटेरियल है वो लाइट्स के साथ किस तरीके से काम करेगा, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लाइट्स अपना काम तभी कर पाती है जब आप अपने मटेरियल्स की ग्लॉसी फिनिश को या अपनी मटेरियल्स की फिनिशिंग को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ लाइट तभी काम करेगी जब आपके आसपास थोड़ी सी कलर्स होंगे। अगर ब्लैक कलर के कमरे में आप एक लाइट जलाते हो तो वो कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आसपास के एरिया में कलर्स नहीं होते। इस वजह से मैं इसकी पावर 80,000 कर रही हूँ। मे बी आप लोगों के सॉफ्टवेयर में ये वाली जो चीज़ है ये कम यूज़ हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि अकॉर्डिंग टू आपके सॉफ्टवेयर के वर्जन के ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपकी लाइट सोर्स कितनी यूज़ होगी या आपके मटेरियल की सैचुरेशन कितनी चाहिएगी। एक बार चेक कर लेते हैं। ये आपका हाई ग्लॉस मटेरियल, ये आपका मैट फिनिश मटेरियल। मैं ये आपको थोड़ा सा ऊपर से कैमरा सेट करके दिखा देती हूँ। जो चीज़ है तो ये आपकी फाइनल पिक्चर है मैट फिनिश और ग्लॉसी फिनिश के साथ में। आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने इंटीरियर्स की कई सारी चीज़ों में, जैसे कि आप अपना फर्नीचर बनाते हो या आप अपने कोई भी फर्नीचर की कोई भी चीज़ बनती है या इंटीरियर्स की कोई भी चीज़ बनती है, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि आपको फिनिशेस समझ में नहीं आते या सेरेमिक कैसे बनता है समझ में नहीं आता। लोग बोलते हैं कि पॉट का मटेरियल कैसा होता है नहीं पता, वॉश बेसिन का मटेरियल कैसा होता है नहीं पता। तो मटेरियल नहीं है, जस्ट अ कलर, वो आपके ग्लॉसी के साथ और आपके रिफ्लेक्शंस के साथ जो खेलना पड़ता है उसमें, बस वही वाली चीज़ होती है। जितनी चीज़ों को समझ के करेंगे उतना अच्छा रहता है। और आपके रेंडर सेटिंग्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती हैं इन सारी चीज़ों के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रेंडर की जो सेटिंग्स होती हैं वो ठीक रहेंगी तो आपकी बाकी सारी चीज़ें भी ठीक रहेंगी। लेकिन इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना कि आपकी लाइट आपके मटेरियल्स के साथ काम करती है, आपका मटेरियल आपके लाइट की वजह से काम करता है और आपकी रेंडर सेटिंग्स की वजह से आपके वो दोनों चीज़ें काम करती हैं। अगर आपकी लाइट्स बहुत अच्छी है और आपका मटेरियल अच्छा नहीं है तो भी आपका प्रोजेक्ट ख़राब होगा। अगर आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, आपको लाइट्स नहीं आ रही, तो भी आपका प्रोजेक्ट ख़राब होगा। और अगर दोनों चीज़ें ठीक है और आपकी रेंडर सेटिंग्स ठीक नहीं है तब तो बिल्कुल ही कबाड़ हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करिए। थैंक यू। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और अगर किसी को भी ऑनलाइन ट्रेनिंग अगर चाहिए हो किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप उसकी हेल्प से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।